ये 380 केवीए लोरी सुमर का जनरेटर आया था, ये केवल सर्विसिंग के लिए आया था। ये देखिए आप 380 केवीए का, और देखिए आज हम बताएंगे किस प्रकार से जनरेटर की सर्विसिंग हम करते हैं। ये देख सकते हैं आप। अब ये पहले हम आगे का कवर खोलेंगे, ये आगे का कवर खोल रहे हैं, और ये खोलने के बाद अब हम इसका पीछे का भी कवर खोलेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों लड़के आगे का कवर खोल रहे हैं। ये देखिए आप, अब इसको हम क्रेन के द्वारा थोड़ा सा हैमरिंग करने के बाद इसको क्रेन के द्वारा निकाल लेंगे बाहर। ये देख लिए, बाहर निकाल लिया है हमने। और अब पीछे का कवर खोलेंगे, और अब आप देखना पीछे का कवर हम किस प्रकार से खोलते हैं। हमें थोड़ी परेशानी हुई थी, तो फिर हमने आइडिया लगाया था और किसी पूलर लगा के हमने कवर को निकाला था। ये वीडियो बनाने के लिए हम इसको वापस घुमा रहे हैं। ये देखिए आप, अब ये पीछे का कवर हम खोलेंगे इसका। ये देख लीजिए, इसको हम गट्टे पर रखेंगे ताकि हमें बोल्ट खोलने में दिक्कत ना आए। ये हम बेयरिंग प्लेट का कवर खोल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। जनरेटर खोलने में ही टाइम लगता है। अब ये पीछे के बोल्ट खोल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, कवर में जैक बोल्ट नहीं दिए कंपनी ने, तो हमें इसलिए थोड़ा कवर को निकालने में परेशानी हुई थी। तो इसको हमने हैमरिंग भी किया था, लेकिन ये कवर थोड़ा टाइट था। ये देखेंगे आप अभी आगे। ये देखिए आप, ये बोल्ट खोल लिए हैं, अब इसमें हैमरिंग किया, हैमरिंग भी करेंगे हम, तो भी ये कवर बाहर नहीं आया, कवर बहुत टाइट था। ये देखिए अब सब बोल्ट खुल गए हैं कवर के। ये देखिए अब हमने ये हैमरिंग किया, लेकिन कवर बाहर नहीं आया, तो क्या हुआ कि रोटर पीछे खिसक गया और इसका फैन वाइंडिंग के अड़ने के चांस हो रहे थे, तो हमने इसको रोक के हमने ये देखिए इतना बड़ा 3 टंग का पूलर लगाया ताकि इसका जो आगे वाला फैन है वाइंडिंग के टच ना हो और वाइंडिंग डैमेज ना हो, तो हमने ये पूलर लगा के ये कवर निकाला। देखिए आप, अब इस केस में रोटर आगे जाएगा और कवर पीछे आ जाएगा, तो वाइंडिंग अपनी सेफ रहेगी। इसको हम वापस टॉर्च से चेक भी कर रहे हैं, और ये देख लिए हम पूलर से, हमने इसको एज इट इज आराम से इसको बाहर निकाल लिया, और हमें हैमरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब इस प्रकार से हम इसका रोटर भी हम बाहर निकालेंगे स्टेटर से, और उसके बाद हम इसमें हवा लगा के इसका डस्ट सब हटाएंगे। ये देख सकते हैं हम रोटर निकाल लिया है, देख लिया आप कितना डस्ट है। और बारिश के टाइम में क्या होता है, जितना डस्ट होता है उतना वाइंडिंग जलने के चांस अधिक रहते हैं, क्योंकि ये जनरेटर रेगुलर नहीं चलता है, डस्ट की वजह से जनरेटर में मॉइस्चर आ जाता है, और 2 दिन बंद रहेगा फिर चलाए तो आपने वाइंडिंग बस्ट हो जाएगी। इसलिए इसको बारिश से पहले सर्विस करना बहुत जरूरी है। ये देखिए अब कितना डस्ट है इसमें, और आप देखेंगे हमारा वर्क, ये देखिए, ये पहले हमने इसको ब्रश से सफाई किया, और उसके बाद ये ब्लोअर से, हम कंप्रेसर नहीं लग, कंप्रेसर की हवा नहीं लगाते हैं, हम ब्लोअर से ही इसकी डस्ट उड़ाते हैं। और ये देखिए अब पेट्रोल से इसको वॉश कर रहे हैं हम, हर वाइंडिंग इसकी पेट्रोल से वॉश होगी, ये देख सकते हैं आप।
ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल खाली पेट्रोल से पहुंच देते हैं, बढ़िया इसको वॉश करते हैं, धोते हैं इसको ताकि डस्ट पूरा निकल जाए, हर चीज़ पेट्रोल से इसकी वॉश करके उसके बाद हम इसको मेगर देखेंगे। तो मेगर हमने देखा था तो मेगर इसका थोड़ा डाउन आ रहा था, तो हमने इसमें हीटर रोड, ये देखो हीटर रोड लगा दिए और इसको हमने थोड़ा टेम्परेचर दिया, गर्म किया, ये देखिए आप, ये इसमें भी हमने हीटर प्लेटें लगा रखी है। और जब इसका मेगर वैल्यू ओके हो गया, इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद हमने देखिए इसमें वार्निश किया है, और वार्निश करने के बाद ये देखिए हमने इसमें बैक्ट्रोल जो डॉक्टर बैग कंपनी का आता है, और ये बैक्ट्रोल किया है हमने, ताकि बैक्ट्रोल करने से क्या थोड़ा शाइनिंग आ जाता है और डस्ट कम चिपकता है वाइंडिंग पे, ये देखिए आप, क्योंकि जब जनरेटर चलता है तो उस कूलिंग हवा से ही इसका डस्ट उड़ जाता है। ये देखिए अब हमने इसमें ये रोटर डाल रहे हैं और ये इसकी फिटिंग स्टार्ट हो गई है, और ये देखिए हम क्रेन के द्वारा ही रोटर डाल रहे हैं और एक ही सिंगल आदमी बैलेंस बना के ये रोटर डाल रहा है, और रोटर ये देखिए आप, क्रेन भी हमारी बहुत स्मूथ है, और ये इस प्रकार से हमने रोटर डाल दिया है, और अभी ये पूरा नहीं गया है, ये अब ये हम इसमें पैकिंग लगा के इसको वापस पीछे लेंगे। ये देखिए आप, अब ये रोटर हमारा चला गया, करीब करीब ये रोटर चला गया है। अब इसके बाद हम इसमें कवर लगाएंगे, ये देख सकते हैं, पहले इसमें हम पीछे का कवर लगाते हैं और उसके बाद आगे का कवर लगाते हैं, और इस प्रकार से हम जनरेटर सर्विस